हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कल्चर। आज के इस वीडियो में हम स्टैचू ऑफ वननेस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एकात्म धाम क्या है और एकात्म धाम में जो मूर्ति बनाई गई है वो किसकी है, ऐसे तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म के ध्वजवाहक शंकराचार्य जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा किया गया है। इस प्रतिमा में आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाल स्वरूप को दिखाया गया है। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने ओमकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए प्रस्थान किया था। नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। शंकराचार्य द्वारा नर्मदाष्टक की रचना भी ओमकारेश्वर में ही की गई थी, इसीलिए ओमकारेश्वर के मानदाता पर्वत पर शंकराचार्य जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। अब हम स्टैचू ऑफ वननेस की कुछ स्पेशलिटीज, कुछ विशेषताओं की बात करें तो 108 फीट की बहुधातु यानी कि मल्टी मेटल प्रतिमा बनाई गई है। यह प्रतिमा 16 फीट के पत्थर निर्मित कमल पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध चित्रकार श्री वासुदेव कामत के द्वारा बनाए गए चित्र के आधार पर बनाया गया है। नर्मदा घाटी से 300 फीट की ऊंचाई पर यह प्रतिमा 100 टन की है। प्रतिमा में लगभग 88% कॉपर, 4% जिंक तथा 8% टिन के मिश्रण से बनाया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत की 3 बार परिक्रमा की। उन्होंने दुनिया को अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। इस एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन दर्शन को बताने वाला संग्रहालय, अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अध्ययन के लिए संस्थान भी होगा। यहाँ प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र, अन्नपूर्णा मंदिर, पंचायत मंदिर, इसके साथ ही 500 की क्षमता का हाई स्क्रीन थिएटर, लाइट एवं साउंड शो भी बनाया जाएगा। इसका विस्तार दिसंबर 2024 तक प्रस्तावित है। इस स्टैचू का निर्माण लार्सन एंड टर्बो ने किया है। लार्सन एंड टर्बो वही कंपनी है जिसने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी और दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी इमारत बनने में सहयोग प्रदान किया था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।